नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। 13 अक्टूबर की रात को अंतरिक्ष में एक दुर्लभ नज़ारा दिखने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रात मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब आ जाएगा। मंगल ग्रह के पृथ्वी के पास आने की वजह से ये आम लोगों को भी दिखाई दे सकता है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात को मंगल, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होंगे, इसलिए ही इसे दुर्लभ संयोग कहा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि 2003 के बाद 13 अक्टूबर की रात ऐसा संयोग बनने जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो आज के बाद 15 साल बाद यानी कि 11 सितंबर 2035 में ऐसा दूसरा संयोग बनेगा। कहा जा रहा है कि सप्ताह मंगल की पृथ्वी से दूरी घटकर लगभग 6,20,00,000 किलोमीटर हो जाएगी। इस खगोलीय घटना को मार्स एट अपोजिशन कहा जा रहा है। मंगल ग्रह का पृथ्वी के पास आना और मंगल का पृथ्वी और सूर्य की सीध में आना दो अद्भुत खगोलीय घटनाएं हैं। पिछली बार 6 अक्टूबर को मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब आया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल और पृथ्वी हर 26 महीने बाद एक दूसरे के पास आते हैं। दोनों ग्रहों के अंडाकार पथ में घूमने की वजह से और पृथ्वी मंगल की कुछ डिग्री झुकी होने से दूरी घटती बढ़ती रहती है। आपको बता दें कि शाम को जब सूर्यास्त हो रहा होगा तो पूर्व में मंगल ग्रह उदित होता दिखाई देगा। इस वक्त पृथ्वी के सबसे नजदीक होने की वजह से ये बड़ा ही स्पष्ट दिखाई देगा। फिलहाल चंद्रमा देरी से उदित हो रहा है, इसलिए इसे देखने में बाधा नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।